आप लोगों ने देखा रहेगा लास्ट वीडियो में हम लोग पहुंचे थे पुगा वैली, लद्दाख के चांगथांग वैली में बसा हुआ पुगा वैली जियोथर्मल और हॉट स्प्रिंग वाटर के लिए प्रसिद्ध है। हे हेलो हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग को इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मरिगल और हम लोग हैं पुगा लद्दाख में और हम तैयारी कर रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट बनाने का। और हमारे अक्षय भाई बर्तन धो रहे हैं कल के। हमने कैंपिंग यहाँ पे किया था और यहाँ से सीधा कुछ दूर हॉट स्प्रिंग है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। वैसे कल वाले वीडियो में भी देखा था आप लोगों ने, इस वाले वीडियो में भी देखेंगे। जैसे हम लोग हिमाचल बॉर्डर के साइड में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ के मौसम भी ज़्यादा अच्छी है नहीं, क्योंकि कल शाम के वक्त में ठीक थी पर अभी बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। कल भी दिन में बारिश हो रही थी पर आज देखते हैं। आज इस बादल होने की वजह से एक चीज़ है, ये फ़ायदा है कि ठंडी कम होती है और ज़्यादा दूर नहीं है हॉट स्प्रिंग। यहाँ पे बहुत जगह पे पुगा लद्दाख में पुगा करके एक जगह है, पुगा में बहुत जगह पे हॉट स्प्रिंग वाटर मतलब नीचे से बुलबुले छोड़ रही हैं और बहुत ज़्यादा नॉइजी मतलब आवाज़ आती है बहुत जगह पे। मैंने देखा है हॉट स्प्रिंग वाटर वहाँ पे बस खाली बुलबुले आते हैं नीचे से पर आवाज़ नहीं आती है या कहूँ तो नॉइजी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉइजी है और लद्दाख में ऐसे जो पीले पीले फूल जो दिख रहे हैं आपको ऐसे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा है ऐसे। पर एक बात है कि इसके पौधे सेम रहते हैं और फूल जो है वो फ़र्क फर्क रहते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा जगह पे ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे ये है फ्लावर जो मतलब छोटे छोटे रहते हैं ऐसे, ऐसा नहीं कि बड़े हैं। पर मैं यहाँ से जा पाऊँगा कि नहीं क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गीला है। और एक बात है कि इस साइड में ऑक्सीजन की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये फ़ायदेमंद है हमारे लिए क्योंकि हम लोग पूरा जगह पे ये ठंडा पानी है बहुत ज़्यादा। पर मैं कहाँ से यहाँ से जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा पता नहीं, मुझे डर है कि कहीं ये दलदल ना हो। ऐसे भी पहले लोग गए हैं पर ये काफ़ी ठंडा पानी है, काफ़ी ठंडा। तेरी तो भाई 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 मैं मर जाऊँगा। बहुत ठंडा है, अभी भी बहुत दूर है हॉट स्प्रिंग वाटर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आवाज़ें यहाँ तो सुनाई दे रही है उसकी, बहुत नॉइजी है। ये मेरे लिए एक्सपीरियंस नया है, ऐसे होते रहेंगे बहुत जगह पे ऐसे जो बुलबुले छोड़ रहे हो और नॉइजी भी हो, पर हाँ मेरे लिए नया है तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये अलग है। फाइनली कुछ टाइम के बाद ये ठंडे ठंडे पानी में पैर भिगाने के बाद पहुंच चुका हूं नज़दीक। तो ये है हॉट स्प्रिंग वाटर जो एकदम ज़्यादा ही बुलबुले छोड़ रही है और यहां से मतलब ऐसा स्मेल आता है जैसे काला नमक हो, काला नमक का आता है ऐसा स्मेल आ रहा है। तो ये है तो हॉट स्प्रिंग वाटर देखने के बाद निकल रहा हूँ आगे की ओर, फिर वही एकदम से मतलब ठंडे ठंडे पानी से गुजरते हुए हमारी टेंट लगी हुई वहाँ पर, वो है पुगा गांव और हमको वो चढ़ाई चढ़ के ऊपर जानी है आज। देखते हैं 60 किलोमीटर है, अगर हाईवे तक पहुँच गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहुँच पाए तो क्या ही कर सकते हैं। और पीछे ही हॉट स्प्रिंग वाटर बहुत ही मतलब ज़ोर ज़ोर का आवाज़ दे रहा है। तो हो चुकी है हमारी सामान पैक साइकिल के ऊपर, अब हमको निकलना है आगे की ओर। ये है पुगा विलेज, अब यहाँ से कुछ 70 या 60 किलोमीटर हमें दूरी तय करनी है हाईवे तक पहुँचने के लिए। और ये
काफ़ी खूबसूरत जगह जहाँ पे हमने कैंप किया था। ये चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो चुकी है। एक्चुअली में रोड भी अच्छा नहीं है तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। देखते हैं ऊपर टॉप में पहुंचने के बाद शायद रोड डाउन मिले। आज ये टॉप चढ़ते चढ़ते कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो चुकी है। हमारी साइकिल मतलब पेडल मार के नहीं जा रही है, हमें धक्का लगाना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा रोड ऐसा है क्योंकि इसमें बजरी डाला हुआ है तो साइकिल नहीं चल रही है तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम। पर हम जा रहे हैं आगे की ओर, ऑलमोस्ट हम लोग टॉप में पहुँच चुके हैं। ये रोड पता नहीं कहाँ तक ख़राब है, बहुत ही हालत ख़राब है। फाइनली पहुंच गए टॉप में। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है पता नहीं क्यों, और ये ज़्यादा हाइट में भी नहीं लगता मुझे। देखते हैं कहीं पे लिखा हो तो कितना हाइट है। ये वाला टॉप पता नहीं कितना हीट है, पता नहीं है यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है। पर अब यहाँ से नीचे की ओर है, उतरा ही रहेगा मेरे को लग रहा है नीचे की ओर डाउन। देखते हैं, वैसे भी हम लोग थक चुके हैं टॉप पहुँचते। एक्चुअली में इस साइड में ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी हमें दिक्कत नहीं है। और इस साइड के जो हील है ये ट्रैकिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है, इसके ऊपर आइस है अभी भी। ट्रैकिंग के लिए ये माउंटेन काफ़ी खूबसूरत है मुझे ऐसा लगता है। और हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, मन है यहाँ पे रुकने का पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हमें हमारे मन को थामे रखने के लिए हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है मनाली, नहीं तो हम लोग यहीं पे कैंपिंग करके मस्त ऊपर ट्रैकिंग करते। पर फिर कभी आएंगे यहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे, पर अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर। हम पहुंच चुके हैं सोकर लेक, मतलब अब हम पहुंचने वाले हैं, मतलब अभी भी यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। और विंड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हम डाउन आ रहे हैं फिर भी हमें हमारी साइकिल हवा रोक रही है आगे बढ़ने से। तो ये है सोकर लेक। लंबे समय के ग्रेवल रोड के बाद में हमें मिला है काला चश्मा लगाते हुए रोड मतलब पीच रोड मिल चुका है जो अभी भी बन रहा है, पता नहीं अब कहां तक है। पर हम लोग हैं अभी सोकर झील में, सोकर लेक। और यहां का मौसम अभी तो ठीक है पर इस साइड मौसम बिगड़ रहा है। ये है सोकर झील, पर मुझे लग रहा है कि ये अभी भी सोकर उठाई नहीं है मतलब अभी उतना अच्छा खास नहीं लग रहा है क्योंकि पेंगोंग और क्या था दूसरा सुमररी पेंगोंग एक दूसरा नाम था, काय पता नहीं क्या नाम है, हाँ वो कुछ अच्छे थे, ये उतने अच्छे नहीं है। लेक दो लेक है यहाँ पे, मतलब एक ही लेक है पर दो लेक जैसे लग रहे हैं। यहाँ पे है और हम जा रहे हैं आगे की ओर। और मुझे लग रहा है आज नेटवर्क आ जाएगा, नेटवर्क बहुत दिनों के बाद जियो के नेटवर्क का दर्शन होगा ऐसा लग रहा है। शोकर में बैठ के हम लोग पी रहे हैं चाय लाल पहाड़ को देखते हुए। आपका एक्सपीरियंस यहाँ तक आने का पुगा से कैसा रहा? पुगा से बहुत अच्छा। फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं मनाली टू लेह वाले हाईवे में और हम जा रहे हैं मनाली की ओर। और बहुत दिनों के बाद नेटवर्क कवरेज में भी है और बहुत दिनों के बाद नेटवर्क एरिया में भी है, थोड़ी सी खुशी। और ये जो कुछ 6-7 दिन थे या 8-9 दिन थे पता नहीं, पर काफ़ी मतलब खूबसूरत थे, नेटवर्क नहीं था। पर हाँ जिन्हें मिस करना है, बहुत मिस कर रहा था क्योंकि एक नेटवर्क रहता ना, जब मिस कर लिया
तो मैसेज कर लेना होता है। जब नेटवर्क नहीं रहता है एरिया में तो बस मिस करते रहो, वन वे। हाँ, और फाइनली हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। हम लोग को जाना इस तरफ, और इस तरफ जाएंगे तो ले आ जाएगा। ले यहाँ से आई डोंट नो कितना किलोमीटर है, पर यहाँ से यहाँ से मनाली 300 किलोमीटर है। और हम रोहतांग टॉप होते हुए तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, अटल टनल होते हुए जाएंगे। और ऑक्सीजन भी ठीक ठाक है यहाँ पे। ये हाईवे है, यहाँ से गाड़ी जा रही है। बिना नेटवर्क मज़े हैं भाई। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हाईवे में, और ये रोड जो दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि हमारे इंतज़ार में मेकअप करके रखी है। काफ़ी खूबसूरत। चलो चलें। और मनाली पहुंचने के लिए कैसा फीलिंग, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मनाली जल्दी पहुंचना है मुझे तो। क्यों पहुंचना है वैसे भाई? मेरा मोबाइल वोबाइल सब बंद हो गया, बिगड़ गया, सब बनाना है और नेटवर्क में आना है, तो फिर इंतजार है मुझे। बात करना है सब लोगों से, है ना? और 8-9 दिनों से तो हम नेटवर्क भी नहीं थे, मज़ा भी आ रहा था। चलो कोई नहीं, अब हम लोग निकलते हैं मनाली की ओर। हाँ, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।